8,000 rupees। सो गाइज, रिसेंटली मैंने माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का अनबॉक्सिंग किया था, और उसके बाद जो दूसरा वाला माइक्रोमैक्स का फोन था इन 1 भी, उसका जो फर्स्ट सेल था उसको माइक्रोमैक्स ने कैंसिल कर दिया, और फिर 10 तारीख को उसका सेकंड सेल रखा, तो मैंने 10 तारीख को बुक किया, और फाइनली वो प्रोडक्ट, वो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का छोटा भाई माइक्रोमैक्स इन 1 भी हमारे पास आ चुका है। ये है वो माइक्रोमैक्स इन 1 भी जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया है, और आज इस वीडियो में मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग एंड मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू देने वाला हूँ। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज द अनबॉक्सिंग एंड माय फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस माइक्रोमैक्स इन 1 भी। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, ये है माइक्रोमैक्स इन 1 भी का बॉक्स, पीछे के साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फोन कॉस्ट ओनली 8,000 रुपीज एंड इट हैज हीलियो G35 प्रोसेसर, विच इज वेरी गुड प्रोसेसर। इट हैज 6.52 इंच HD+ डिस्प्ले, मिनी ड्रॉप नॉच, 2 कैमरास ऑन द बैक, 5,000 mAh बैटरी, प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, नो ब्लोटवेयर, नो एड्स। वी आर इन फॉर इंडिया, हाउ अबाउट यू? फाइनली, सो ये रहा फोन गाइज, ये है वो माइक्रोमैक्स का इन 1 भी। एक मिनट के लिए साइड में रुको। हमारे को ये पाउच मिला जिसके अंदर एक स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है, केस नहीं है, विच इज़ नॉट गुड, केस शुड बी देयर। यहाँ पर एक सिम रिमूवल टूल है और थोड़ा बहुत पेपर वर्क दिया हुआ, यूज़र गाइड वगैरह, ठीक है। ओके, एक ये है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर ब्रिक, ये मैं बोलूँगा चीप है। या दिस इज डेफिनेटली चीप, मतलब अरे बाप रे। देखो ये जो इसके अंदर का वो है ना USB पोर्ट, वो भी थोड़ा सा टेढ़ा अलाइंड है, जैसे आप लोग शायद, अगर आपको दिखे या ना दिखे पता नहीं, बट देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा टेढ़ा अलाइंड है। तो माइक्रोमैक्स शुड वर्क ऑन देयर अडेप्टर्स यार। और ये एक केबल है USB Type-C केबल, विच लुक्स एंड फील्स वेरी वेरी चीप, बट दिस फोन इज ऑल्सो वेरी चीप, सो वी कैन नॉट कंप्लेन इट दैट मच, बट USB Type-C इस प्राइस में होना वेरी गुड। भाई ये 7,000 का फोन है, 8,000 का नॉट बैड, कड़क है भाई, 8,000 में तो मस्त दिख रहा है। वाओ, लेट मी टर्न इट ऑन। सो भाई जब तक ऑन हो रहा है मैं बता दूं, तो पीछे साइड में हमको 2 कैमरास मिलते हैं। जो पीछे के साइड में प्राइमरी कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में, फिर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है यहाँ पर, इधर पे फ्लैश दिया हुआ है, इधर पे फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स है, टॉप में कुछ भी नहीं है। इस साइड में एक बटन है जो डेडिकेटेड बटन है गूगल असिस्टेंट के लिए, विच डज नॉट हैव एनी पॉइंट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। और मैं भी अगर आपको सिम कार्ड का कॉम्बिनेशन बता दूं, तो भाई यहाँ पर हमको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, इसके अंदर 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, बेसिकली माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं हम लोग। सो या, उसके बाद बॉटम साइड की बात करूँ, तो यहाँ पर हमको एक जो मेन USB Type-C पोर्ट है, माइक्रोफोन होल है मेन वाला, और फिर जो 3.5mm हेडफोन जैक है। इस साइड में बात करूँ तो यहाँ पर एक पावर बटन है, एक वॉल्यूम रॉकर है, और फ्रंट साइड की अगर मैं बात करूँ तो इधर पे देखो, ऊपर के साइड में इधर ईयरपीस है, वो फ्रंट कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है, और ये 6.53 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले है। सो या, लेट मी क्विकली सेट इट अप एंड गेट बैक टू यू। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी इज गुड, नो डाउट, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है। मतलब भाई ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये का, उसके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सही है, कहीं से उखड़ता बिखड़ता भी नहीं दिख रहा मेरे को, ऐसा एकदम तगड़ा बिल्ड क्वालिटी है। भाई 5,000 mAh बैटरी है, उसके हिसाब से सिर्फ 185 ग्राम वेट है, ऐसा फ़ोन मोटा भी नहीं है। और अगर मैं फ़ोन के बैलेंस की बात करूँ तो आराम से बैलेंस हो जा रहा, देख रहे हो एक उंगली पे, तो हाँ फ़ोन का बैलेंस वगैरह भी मस्त है। फ़ोन का ओवरऑल फ़ोन काफ़ी तगड़ा लग रहा है, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ओवरऑल। पूरा साइड वगैरह पूरा प्लास्टिक है, पीछे का भी पार्ट प्लास्टिक ही है, ये भी पार्ट प्लास्टिक है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी फ्रंट की बात करूँ तो भाई कोई प्रोटेक्शन वगैरह है उसका कुछ गारंटी नहीं है, अभी तक कुछ बताया नहीं गया इस कंपनी की तरफ से। सो डिस्प्ले सीम्स रियली नाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अच्छा लग रहा है डिस्प्ले। सो लेट मी गो एंड प्ले समथिंग। इंडिया में रिलीज किया, और ये जो फोन है गाइस, ये स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ में आता है, और इसकी प्राइस लगभग 21,000 रुपीज है। और हमको आज ये जानना है कि भाई अगर हम लोग 1,000 रुपए, आज ये जानना है कि भाई ये 720p गाइस, 1,000 रुपए ज्यादा डालेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिलती है नहीं। बाय द वे, इसमें 5G है जो मोटोरोला वाला है, बहुत सारे फर्क है, और बहुत ज्यादा शॉकिंग रिजल्ट है ये वीडियो का। व्यूइंग एंगल्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, बट 8,000 रुपए के हिसाब से ठीक है, रेंडर करेंगे, बड़े-बड़े गेम्स, शार्पनेस भी अच्छी है,
कलर्स वगैरह भी मस्त है। मैं थोड़ा सा और कलर वाली फुल कलरफुल वीडियो चला के देखता हूँ। कलर्स आर गुड, ब्राइटनेस भी अच्छी है और ऐसा बॉर्डर्स भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, मतलब बहुत बड़े बड़े नहीं है, है बॉर्डर्स की साइज़ है ऊपर नीचे, बट इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली थिक और समथिंग लाइक दैट, इट इज़ गुड इनफ। और कलर्स वगैरह भी मस्त लग रहे हैं यार, कॉन्टेंट वॉचिंग में मज़ा आएगा ऐसा, नो प्रॉब्लम। देखो लाल एकदम लाल लाल तोता है भाई, तो अच्छा है ये चीज़। अभी अगर मैं स्पीकर्स की बात करूँ तो लेट्स प्ले समथिंग। नॉट बैड स्पीकर्स की क्वालिटी भाई, बहुत तगड़ी। बॉटम फायरिंग है, इधर पर छोटे छोटे जो डॉट्स है ताकि वो जमीन पे एकदम टच ना हो, रखने का आवाज और भी बूस्ट हो जाती है, मस्त लग रहा है। तो स्पीकर की क्वालिटी डिसेंट है, नो डाउट इन दैट। और सॉफ्टवेयर देखो यार कितना क्लीन है, देख रहे हो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ गूगल के एप्लीकेशन है, एक साउंड रिकॉर्डर है, FM रेडियो दिया हुआ है बस, और एवरीथिंग इज फ्रॉम गूगल, दैट्स इट भाई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, नो ब्लोटवेयर भाई, तगड़ा। और स्पीकर भी अच्छे हैं यार। अभी कहीं से अगर मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो भाई ऐसा थोड़ा सा मेरे रीच के बाहर आया था, देखो थोड़ा सा, मतलब मेरे को हाथ थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ता है इधर जाने के लिए, मतलब फ़ोन तो बड़ा ही है काफ़ी, तो ऐसा थोड़ा सा ऊपर खींचना पड़ता मेरे को हाथ। और अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड की बात बता दूँ, टैप किया खुल गया, देखो टैप किया खुला, टैप किया नहीं खुला, देखे टैप किया अब खुला, टैप किया, टैप किया खुल गया। थोड़ा एक सेकंड लगता है, मतलब जितना मेरे को चाहिए था उतना ज़्यादा फास्ट नहीं, बट 8000 रुपीज़ की प्राइस है तो कहीं इससे ज़्यादा मैं कंप्लेंट नहीं कर सकता। ओके फेस अनलॉक इज़ क्वाइट स्लो, लगभग एक सेकंड लेता है, एक से डेढ़ सेकंड लेता है। देखो बटन दबाया मैंने, एक दो तीन, हाँ तो एक सेकंड लगता है लगभग, एक नहीं दो सेकंड लगता है लगभग। फेस अनलॉक काफ़ी ज़्यादा स्लो है भाई, भाई कभी कभी तो तीन तीन सेकंड लग जाता है फेस अनलॉक को खुलने में, तो फेस अनलॉक तो थोड़ा स्लो है मेरे लाइकिंग के हिसाब से। लेट्स टेस्ट द कैमरास, भाई इसके अंदर दो कैमरा पीछे हैं, एक तो समझ लो ना के बराबर है, तो एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे और 5 मेगापिक्सल का कैमरा आगे है। गाइस अभी हम लोग फटाक से फोटोज देख लेते हैं। सो गाइस मेन कैमरा से जो ये पिक्चर है निकाली हुई 13 मेगापिक्सल की, काफ़ी ब्लरी पिक्चर है ये सेकंड पिक्चर है, हाँ ये काफ़ी सही है, हाँ डिटेल भी अच्छी है, थोड़ा सा नॉइजी हल्का था लेकिन डिटेल वगैरह मस्त है, ये अच्छी पिक्चर आई है, फोकस भी अच्छे से हुआ इस पे, थोड़ा सा वो फोकस के बाहर हो गई थी, देखो ये भी फोकस के बाहर हो गई, हल्की सी ब्लरी है फोटो, थोड़ी सी ऐसा लग रहा है मतलब हिल जाता ना ऐसा वो, ये देखो ये काफ़ी शार्प इमेज है, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी ज़्यादा मस्त है, और ओके थोड़ा सा ऐसा नॉइज़ आ रहा है बट ओवरऑल पिक्चर काफ़ी अच्छी है, नो प्रॉब्लम्स। ये ह्यूमन सब्जेक्ट है भाई, स्किन टोन्स एकदम परफेक्ट है, वाइट बैलेंस एकदम मस्त है, बाकी कलर्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जो शार्पनेस है वो इतनी खास नहीं है, थोड़ा सा नॉइजी भी इमेज, लेकिन कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मतलब ट्रू टू लाइफ है। ये फ्रंट फेसिंग कैमरे की तरफ अगर मूव करूँ तो भाई ओके फ्रंट फेसिंग कैमरे की फोटो थोड़ी, भाई क्या कड़क फोटो लिया है यार, बिल्कुल भी ओवर शार्प नहीं किया, बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर लिया है, लेकिन उतना मतलब एकदम कभी कभी ना थोड़ा सा कार्टूनिश हो जाता है, और नॉइजी भी है पिक्चर, लेकिन काफ़ी अच्छी फोटो लिया है, सेल्फी के मामले में काफ़ी मस्त है। देखो जैसे आप लोग देख रहे हो काफ़ी अच्छी सेल्फी लिया, थोड़ा इधर देखो दाढ़ी वगैरह सॉफ्ट कर दिया है, ठीक है बट आई डोंट माइंड इट। जैसे आप लोगों ने फोटोज देख लिया गाइस, अभी आप लोग एक बार वीडियो भी देख लो फिर अपने हिसाब से जज कर देना। सो गाइस ये वीडियो मैं माइक्रोमैक्स In1B के रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p में, सो कुछ इस तरह से वीडियो बनती गई, और फोकसिंग वगैरह तो मस्त है यार, काफ़ी सही से फोकस कर रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अभी अगर मैं थोड़ा सा घूम के दिखा दूँ तो भाई ऐसा मैं घूम जाता हूँ, तो डायनेमिक रेंज थोड़ा सा पुअर है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं डायनेमिक रेंज, लेकिन ठीक है मतलब ये प्राइस के हिसाब से मस्त है डायनेमिक रेंज वगैरह भी, लेकिन फोकसिंग वगैरह मस्त है, काफ़ी अच्छे से काम करी, जैसे कि मैं नज़दीक चलाता हूँ देखो ये अपने आप इतना फोकस करा, देखो आउट ऑफ फोकस गया, अब मैं टैप करूँगा तो शायद नहीं हो गया अपने आप, तो थोड़ा सा टाइम लगता है फोकस करने में, लेकिन ठीक है मतलब ओके वीडियो भी बना लेता है ये। अभी मैं फ्रंट कैमरे की तरफ मूव करता हूँ गाइस। सो गाइस ये वीडियो मैं फ्रंट फेसिंग कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक्रोमैक्स In1B के, तो कुछ इस तरह से वीडियो बनती गाइस। पीछे देखो मेरी लाइट है, अगर मैं फ्रेम के अंदर ला रहा हूँ तो मेरा चेहरा एकदम डार्क हो जा रहा है, तो डायनेमिक रेंज इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, माइक्रोमैक्स को थोड़ा डायनेमिक रेंज पे काम करने की जरूरत है, बट ओवरऑल कुछ इस तरह से वीडियो बनती है गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो। बाय द वे ये जो आवाज़ है ये भी इसी फोन के माइक्रोफोन से पिकअप करके रिकॉर्ड हुई है, सो या गाइस कुछ इस तरह की वीडियो ये माइक्रोमैक्स In1B रिकॉर्ड करता है। तो गाइस जैसे आप लोगों ने देखा इट सीम्स गुड, अच्छा है, नो प्रॉब्लम। अभी अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की तो मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि सॉफ्टवेयर पर थोड़ा और काम करने की जरूरत है,
एक्सपीरियंस तो अच्छा है, लेकिन अभी भी मेरे को थोड़ा सा कैमरा यूआई हल्का फुल्का लैगी लग रहा है, तो वो एक पॉइंट है यहाँ पर। और अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, सो गाइस मैंने इसके अंदर गेम इंस्टॉल किया है और थोड़े बहुत बेंचमार्क्स भी रन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, इसके अंदर हमको मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर मिलता है और उसका बेंचमार्क स्कोर जैसे कि आप लोग देख रहे हो 1 लाख के भी ऊपर है। बाय द वे 4GB रैम के साथ में और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। और उसके बाद अगर मैंने इंटरनल स्टोरेज का जब स्पीड टेस्ट किया तो उसका रीड एंड राइट बहुत ही स्लो है। 200 MBPS का ऑलमोस्ट रीड है और राइड भी 150 MBPS का है, मतलब ठीक ठाक ऐसा समझ लो। तो मतलब बेंचमार्क स्कोर अभी भाई 8000 रुपये का फ़ोन है तो उसके हिसाब से तो नॉट बैड, आई कैन से दैट। और हाँ, इसमें सारे मल्टी टच सब कुछ सपोर्ट करता है, 10 मल्टी टच एकदम आराम से चलता है, सो नो प्रॉब्लम्स इन दैट। और अभी हम लोग ना कॉल ऑफ ड्यूटी खेलते गाइज, तो मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी डाउनलोड किया भाई, बहुत ही हैवी गेम है, लेट्स सी कैसा चलता है। इसके अंदर हमको ज़्यादा हाई फ्रेम रेट वगैरह कुछ नहीं मिलता, ग्राफिक क्वालिटी भी खाली लो का सेटिंग मिलता है और फ्रेम रेट भी मीडियम का है बस। तो मतलब सस्ता फ़ोन है तो उसके हिसाब से मिलता है। लेट्स प्ले अ गेम एंड लेट्स सी कैसा चलता है यार। फिलहाल बैटरी 37% पे है और 17:16 हो रहे हैं। सो गाइज ऑनेस्टली बोलूँ तो इतना अच्छा गेम प्ले नहीं था, बट 8000 रुपीज़ के हिसाब से इट वॉज ओके इनफ, आई कैन से दैट। एकदम लो सेटिंग पे भी देखने जैसे, मतलब नोटिस करने जैसे फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे। सो या मतलब डिसेंट सा परफॉर्मेंस है इस फ़ोन का। और फ़ोन भी इधर हल्का फुल्का गर्म हुआ है, अगर मैं आपको टेम्परेचर दिखा दूँ तो 39°C देख रहे हो इधर पे, 40°C पहुँच गया। ज़्यादा देर अभी खेला भी नहीं मैंने, ऊपर के साइड में इधर कॉर्नर में गर्म हुआ है खाली ज़्यादा। देखो जैसे कि आप लोग देख रहे हो 38-37°C। सो मतलब ठीक है परफॉर्मेंस, अगर आप लाइट गेम्स खेलते हो तो चल जाता है, बड़े हैवी गेम्स भी मतलब लो सेटिंग पे करके खेल सकते हो लेकिन फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेंगे। सो या गाइस ये था परफॉर्मेंस ऑफ दिस माइक्रोमैक्स। ओवरऑल फोन अच्छा है, 8000 रुपये के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है भाई। G35 प्रोसेसर है, इतना अच्छा डिस्प्ले है, बैटरी भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है और फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छा डिसेंट सा कैमरा है भाई। 8000 रुपये में और क्या ही चाहिए, ओवरऑल बहुत ही अच्छा पैकेज लगा मेरे को। बट थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर, मैं ये डेफिनेटली बोलूँगा, स्पेशली कैमरा के मामले में। कैमरा शुड बी इम्प्रूव्ड बिट, बिकॉज थोड़ा अगर सॉफ्टवेयर अपडेट भी अच्छे से पुश कर देंगे ना माइक्रोमैक्स वाले तो अच्छा कैमरा हो जाएगा भाई, पोटेंशियल तो है। बट ओवरऑल फ़ोन मेरे को काफ़ी सही लगा, स्पेशली अगर आप प्राइस की बात करो भाई, प्राइस के हिसाब से नो ब्लॉटवेयर नो एड्स, उसका मतलब अलग ही लेवल है भाई। तो मेरे को ओवरऑल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और माइक्रोमैक्स ने बोला है कि भाई 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट भी देंगे वो लोग, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ओवरऑल। अब 8000 में और क्या ही ले लोगे यार, आप बताओ मेरे को। तो मेरे को तो काफ़ी सही लगा, आई एम इम्प्रेस विद दिस फोन। व्हाट डू यू थिंक, डू शुड आई हैव टू, व्हाट डू यू थिंक, शुड आई रिव्यू दिस फोन? डू लेट मी नो। अगर आप लोग बोलोगे कि मैं इसका रिव्यू करूँ तो मैं डेफिनेटली इसका रिव्यू बनाऊंगा। बाकी ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग एंड माई फर्स्ट इंप्रेशन ओवरव्यू ऑफ दिस फोन। डू लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, आपको क्या लगता है मैंने कोई पॉइंट वगैरह मिस किया इसके बारे में? अगर मिस किया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी यही था वीडियो का, आई होप आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे के आइकन को दबा दो ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की अमेजिंग क्वालिटी के वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।